हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल चौहान। आज अपन पढ़ने वाले हमने पूरे यूरिया साइकिल के बारे में, जो कि हमने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का ही टॉपिक है, और ये सारी चीजें जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपनी बायोकेमिस्ट्री 7 डे की मॉड्यूल से, और ये अपने डे 2 का टॉपिक है। और ये जो मेरी बायोकेमिस्ट्री 7 डे की जो मॉड्यूल है, मैंने एक इस तरीके से आपके लिए पूरा एक कोर्स बनाया है, जिसके जरिए आप मात्र 7 दिन के अंदर पूरी अपनी बायोकेमिस्ट्री को खत्म कर सकते हो। और इसके अंदर जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, ये आपको डे 2 में पढ़ना है, और मैं डे वाइज ही सारे टॉपिक आपके लिए अपलोड भी कर रहा हूँ, ताकि आप मात्र 7 दिन में खत्म कर पाओ। और इस मॉड्यूल को अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको जो है एक बार चेक कर सकते हो। उसके अंदर सारे आईएमबी टॉपिक की थ्योरी है, और उसके अंदर ना सारे जो आपको एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए, हाउ टू राइट इन यूनिवर्सिटी एग्जाम, मेटाबॉलिज्म के फ्लो चार्ट, इंपॉर्टेंट थ्योरी के फ्लो चार्ट, सब कुछ एक ही मॉड्यूल में मैंने तुम्हारे लिए बना के दिया है। देन आज के टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में ना क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, ये यूरिया साइकिल मेनली अपनी बॉडी के अंदर अपन चलाते क्यों है, और मेनली यूरिया साइकिल होता कहाँ पे है, अपन करते क्यों है। ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट चीजें रटने से कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन क्या था कि सर, यूरिया साइकिल अपन करते क्यों है। देखो क्या होता है ना, जब अपन अमीनो एसिड का, जब अपन मेटाबॉलिज्म करते हैं, आपको पता है अमीनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, तो जब अपन अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म अपन करवाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो अपन को एंड प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है अमोनिया। अब जो अमोनिया जो होता है ना, याद रखना, वो अपनी बॉडी के लिए हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस, अमोनिया अपनी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। तो अपन क्या करते हैं, अमोनिया को फिर कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, क्योंकि यूरिया जो है ना क्या होता है, अपनी बॉडी से यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। तो अपन यूरिया साइकिल क्यों चला रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होता है अमीनो एसिड का, तो बनता है अपना क्या, अपना बनता है अमोनिया। अमोनिया अपनी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, अमोनिया को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। अब ऐसा तो नहीं अमोनिया को अपन बॉडी से बाहर निकाल, चल रहे अमोनिया बाहर निकल, ऐसे तो निकालेंगे नहीं। तो अमोनिया को अपन पहले कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, और यूरिया फिर जो होता है ना यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिर बात आती है सर, ये होता कहाँ पे है, तो मैं आपको बताऊं, ये यूरिया पूरी साइकिल जो है ये अपने मेनली होती है लिवर के अंदर, और लिवर में भी ये अपना होता है साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सबसे पहले यूरिया जो साइकिल है उसकी शुरुआत अपनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर रेस्ट ऑफ साइकिल इसकी चलती है अपने साइटोप्लाज्म में। ठीक है, देन ये सारी चीजें जो है मेरे यहाँ पर नोट्स में भी लिखी हुई है, मैं एक बार आपको ना एक एक करके हाईलाइट भी करते जाता हूँ। तो सबसे पहले यूरिया क्या है, याद रखना, अपने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट जो है वो अपना होता है यूरिया। ठीक है, अब क्या होता है ना, मेनली अपने जो नाइट्रोजन जो है अमीनो एसिड का, वो कन्वर्ट अपना हो जाता है अमोनिया में, और अमोनिया अपनी बॉडी के लिए मिनाप होता है टॉक्सिक सब्सटेंस, इसलिए अपन उसको कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। यूरिया कहां बनता है, लिवर में बनता है, और किडनी के थ्रू अपन इसको यूरिन से अपन एक्सक्रीट कर देते हैं। अब इसका मेन चीज में अपन आते हैं, वो है इसकी साइकिल। और देखो हर बार की तरह पूरा मेटाबॉलिज्म को तुम्हें याद करवाने के लिए मैंने यहाँ पे भी पाजी तुम्हारे लिए इतनी इजी जिंगल बनाई, इतनी फनी जिंगल है कि तुम्हें ना चुटकियों में याद हो जाएगी सारी चीज। तो पहले तुम साइकिल को समझो, फिर मैं तुम्हें इसकी याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है अपन वो समझते हैं। तो याद रखना, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पूरी, इसके ऊपर वाली सारी रिएक्शन अपनी चल रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके नीचे वाली सारी रिएक्शन अपनी चल रही है साइटोप्लाज्म। सबसे पहले क्या होता है, अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल, ये अपना एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है, और एक अपना कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मतलब ये दोनों क्या करते हैं, दोनों अपनी बॉडी के लिए ना हार्मफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और अमोनिया भी। तो क्या होता है ना, दुश्मन दुश्मन एक दूसरे के गले मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1 एंजाइम। ये दोनों फिर कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट में, और इसके अंदर क्या होता है ना, इस पूरी रिएक्शन में अपनी 2 ATP जो है यूज हो जाती है। तो यूरिया बनाने में पहले ही अपन याद रखना, 2 ATP अपन अपनी गवा देते हैं। फिर क्या होता है ना, अपनी बॉडी के अंदर जो कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है, उसमें एक मॉलिक्यूल अपना ऑर्निथिन का मॉलिक्यूल जो है ना वो जुड़ जाता है। अब ऑर्निथिन जो है ना वापस इसी साइकिल में रीजनरेट हो जाता है, तो फिर यहाँ पे एक एंजाइम भी रहता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, अपना कार्बोमाइल फॉस्फेट और अपना ऑर्निथिन को, इन दोनों को फिर कन्वर्ट कर देता है अपना सिट्रुलिन में। तो यहाँ पर अपन ने क्या बना लिया, माइटोकॉन्ड्रिया में अपन ने बना लिया सिट्रुलिन। अब सिट्रुलिन क्या बोलता है कि भैया मैं तो बाहर जाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया, मुझे हो रही घुटन, तो सिट्रुलिन जो है फिर माइटोकॉन्ड्रिया के आ जाता है बाहर, और अपना आ जाता है साइटोप्लाज्म में। अब तुम बोलोगे सर, ये पूरी रिएक्शन अपन ने साइटोप्लाज्म में ही क्यों नहीं करवा ली, क्योंकि यहाँ पे जो दो एंजाइम जो है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1 और ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ये एंजाइम जो है सिर्फ अपने माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, इसलिए इनिशियल रिएक्शन अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। देन फिर क्या हुआ, सिट्रुलिन अपना आ गया बाहर साइटोप्लाज्म में, और सिट्रुलिन जो है ना जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आता है उसको भैया पसंद आता है एस्पार्टेट। सिट्रुलिन ना बहुत फर्जी इंसान है, आते से ही उसे पसंद आ गया एस्पार्टेट।
तो सिट्रोलिन फिर एस्पार्टेट के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे एक एंजाइम भी रहता है जिसे हम बोलते हैं आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम। अब आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम जो है वो सिट्रोलिन और जब एस्पार्टेट दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब यहाँ पे वो अपना बना लेता है आर्जिनोसक्सिनेट। तो आर्जिनोसक्सिनेट अपन ने बना लिया। अब ये वाली रिएक्शन जो है यहाँ पे भी अपना क्या होता है ना एनर्जी का यूज होता है। तो यहाँ पे भी अपनी एक एटीपी जो है ये एएमपी में कन्वर्ट होती है। याद रखना मेनली अपनी एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती थी बट इस रिएक्शन में अपनी एटीपी एएमपी में कन्वर्ट होती है। और जब कोई भी एटीपी एएमपी में कन्वर्ट होती है तो याद रखना यहाँ पे करीबन दो एटीपी का यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो कुल मिलाकर अपने कितनी एनर्जी यूज कर ली यूरिया बनाने में, चार एनर्जी। सबसे पहले दो एटीपी शुरुआत में यूज हो जाती है, देन फिर ये वाली स्टेप में अपनी एक एटीपी से एएमपी बनता है। तो यहाँ पे करीबन ये जो है ना दो एटीपी के इस्तेमाल जितना यूटिलाइज हो जाता है। तो इस स्टेप में अपन ने एक एटीपी भी इस्तेमाल कर ली। देन उसके बाद क्या होता है यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम इसको बोलते हैं आर्जिनोसक्सिनेट एंजाइम। आर्जिनोसक्सिनेट एंजाइम क्या करता है अपने आर्जिनोसक्सिनेट को कन्वर्ट कर देता है आर्जिनिन में। और इस स्टेप में अपना क्या होता है फ्यूमरेट जो होता है ना वो बाहर निकल जाता है। तो फ्यूमरेट बाहर निकल गया और फ्यूमरेट जो है ना आगे जाके अपना क्रैब्स साइकिल में अपन यूज कर लेते हैं। देन ये जो आर्जिनिन जो है ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो वापस अपना कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथिन में। और मैंने आपको बताया था ऑर्निथिन साइकिल में वापस जो है ना रिकवर हो जाएगा, वापस बन जाएगा। और ये रिएक्शन जो है किससे कैटेलाइज होती है, ये रिएक्शन अपना आर्जिनेज एंजाइम जो है उससे कैटेलाइज होती है। और इसी रिएक्शन में अपना बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाता है यूरिया। तो अपना मेन काम क्या था, अपना मेन काम था यूरिया बनाना। और इस पूरी साइकिल में आपको मिल गया लास्ट स्टेप में अपना यहाँ पे बन जाता है यूरिया। और टोटल अपने यहाँ पे जो है ना चार एटीपी अपन यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। यार बहुत ही इजी सी ये रिएक्शन है, ज्यादा कुछ में टेक्निकल है नहीं, बट अपन को तो याद करना है और याद करने के लिए हर बार अपन को लगती है स्टोरीज। तो यहाँ पे स्टोरी फिर से मैं बहुत फनी स्टोरी आपके लिए बनाने वाला हूँ। सो स्टोरी ये है कि मान लो सबसे पहले क्या है ना, आपकी एक गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, मान लो किसी की गर्लफ्रेंड है, उसको प्यार से अमोनिया बुलाता है। अब जाहिर सी बात है कोई टॉक्सिक गर्लफ्रेंड होती है ना, इसलिए उसने उसको उसको टॉक्सिक ही नाम दे दिया अमोनिया। अब लेकिन अमोनिया बहुत क्यूट थी तो उसका नाम रख दिया क्यूटी। तो याद रखना अमोनिया क्यूटी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रहती थी। अब उसको उसने क्या करा, उसको उसने क्या करा माइटोकॉन्ड्रिया, उसने बोला चलो क्यूटी आज बाहर चलते हैं कार की राइड पे। तो कार की राइड पे बाहर निकल गए। कहाँ गए, वो अपने सीए से मिलने गए। क्यों, क्योंकि सीए के घर में आया हुआ था यूएफओ। तो बड़ी अजीब और फनी जिंगल है। अब देखो मेरे कहने का अपना तात्पर्य समझा करो। तो सबसे पहले आपसे मैंने बोला क्या हुआ, अमोनिया किसके साथ गई, अपनी गई वो क्यूटी के साथ। कहने का मेरा तात्पर्य है कि आपको ना कहाँ थे, मतलब अमोनिया क्यूटी कहाँ रहती है, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ रहता है, घर में रहता है, उस घर का उसने नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इससे आपको ये याद रह जाएगा कि इनिशियल रिएक्शन अपन माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं और यहाँ से अमोनिया से आप कर देना अमोनिया, क्यूटी के सी से आप कर देना सीओ टू। ये दोनों होते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये दोनों फिर कहाँ गए, ये गए कार में। कार से आप कर लेना कार्बोमाइल फॉस्फेट, पहले कार में गए, कहाँ गए अपने सीए के पास, सी से, सीए के सी से आप कर लेना सिट्रुलिन और ए से आप कर दे, आप ए से आप कर लेना आर्जिनोसक्सिनेट। तो ये लोग अपने गए सीए के पास। सीए के पास क्यों गए, क्योंकि सीए के घर में आया था, आया से आया था, आया के ए से आप कर लेना आर्जिनिन। ठीक है, ये एंजाइम भी आर्जिनिन से और ये एंजाइम आर्जिनिन है। आया कैसे कर लेना आर्जिनिन, क्यों, क्योंकि वहां पे आया था यू एफ ओ, तो एस तो साइलेंट है, यू से आप कर लेना कि यहाँ पे यूरिया निकल रहा है और ओ से आप कर लेना ऑर्निथिन। तो बहुत ही इजी जिंगल है जिससे आपको सारी चीज याद हो जाएंगी कि कौन सी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही, कौन सी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हो रही है। अमोनिया क्यूटी, कार से चलते हैं बाहर, कहाँ पे, सीए के पास, क्योंकि वहां पे आया हुआ था यूएफओ। तो इस पूरी जिंगल से आपके पूरी रिएक्शन जो है ना बड़े आराम से यार याद हो गई होगी। वो ज्यादा ना यूरिया साइकिल में टेक्निकल चीजें भी नहीं है। देन फिर यहाँ पे वही पूरी स्टेप लिखी हुई है कि किस तरीके से स्टेप में क्या बनता है, इसमें हम फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपन बात करेंगे एनर्जी जनरेशन के ऊपर, कितनी एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो गई, जनरेशन नहीं यूटिलाइज यहाँ पे कितनी हो गई। तो सबसे पहले याद रखना यूरिया जो पूरी रिएक्शन है ना वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये अपनी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कितनी अपनी एटीपी लगी, याद रखना बेटा यहाँ पे अपनी चार एटीपी यहाँ पे इस्तेमाल हो गई, ठीक है। शुरू में दो एटीपी मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब अपन जो है ना अपना कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं तब अपनी एक दो एटीपी इस्तेमाल हो जाती है शुरुआत की रिएक्शन में। देन बाद में जब अपन एटीपी से जब एएमपी बनता है ना तो अपना दो एटीपी के इक्विवेलेंट होता है, तब वहां पे दो एटीपी यूज हो गई। टोटल हमने कितनी एटीपी यूज हुई, यहाँ पे टोटल हमने चार एटीपी जो है यूज हो जाती है। सो ये भी मैंने आपको बता दिया। देन फिर अपन इसके एक और मेन पार्ट पर आते हैं कि इसका रेगुलेशन। तो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम रहता है, इसकी शुरुआत में यूज होता था ना अपना कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज वन,
यही एंजाइम पूरा अपना यूरिया साइकिल को रेगुलेट करता था। अब काफी बच्चे ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वो एक गोलमाल में बंदा भी ना भूला, वैसे भूले टाइप के बंदे होते हैं। तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, ये जो अपना एंजाइम है ना इसका नाम है कारोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1, यही एंजाइम इस पूरी साइकिल को रेगुलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और डायरेक्टली आपको पीजी में भी पूछा जाता है एमसीक्यू में कि कौन सा एंजाइम यूरिया साइकिल को रेगुलेट करता है, तो अब तुमसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात आती है कैसे रेगुलेट करता है ये। अब देखो इसको समझो, फॉस्फेटेज सिंथेस 1 एंजाइम जो है ये है ना, ये अपना रेट लिमिटिंग रिएक्शन है और यही अपना रेट लिमिटिंग एंजाइम भी है। अब मेनली ये जो एंजाइम है ना किससे एक्टिवेट होता है, यहाँ पे एक सब्सटेंस रहता है जिसे हम बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूटामेट। अब ये एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है ना मेनली इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब आप बोलोगे सर ये एन एसिटाइल ग्लूटामेट फिर निकलता कब है, तो क्या होता है ना, मान लो तुम गए हो दावत में, बड़े बकरे मुर्गे की दावत है, तुम खुद प्रोटीन वाला खाना खा रहे हो, लिवर को खूब सारा मिला है प्रोटीन। वही जब घर में दावत होती है ना इंसान तब बहुत कम खाता है, जब बाहर दावत में उसको बुलाया जाता है ना तो वो ज्यादा ज्यादा खाता है। अब भाई अपन को तो कभी सुकरात नहीं हुआ, अपन तो वेजिटेरियन है, बट याद रखने के लिए मैं तुमसे इस तरीके से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक लाइन में, देखो क्या होता है ना, जब अपन हाई रिच मील अपन जब खाते हैं तो क्या होता है ना उसके कारण अपना ये जो रहता है ना एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है ना लिवर के अंदर इसका लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण यूरिया साइकिल जो है अपनी बढ़ जाती है। फिर एन एसिटाइल ग्लूटामेट बनता कैसे, तो याद रखना ये अपना ग्लूटामेट और एसिटाइल कोलिन इन दोनों से मिलकर बनता है। किसके जरिए बनता है, यहाँ पे एंजाइम रहता है सिंथेस, उसके जरिए बनेगा। टूटेगा कैसे ये, यहाँ पे एंजाइम रहता है हाइड्रोलिस, उस एंजाइम के कारण ये टूट जाएगा। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हमने सत्यनारायण के अंदर, जब ना आर्जिनिन का कंसेंट्रेशन जब ज्यादा होता है ना अपनी बॉडी में तब भी अपना एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है ना उसका लेवल बढ़ जाता है। तो अपना एन एसिटाइल ग्लूटामेट अपना रेगुलेट करता है अपने एंजाइम को, जिसका अपना नाम होता है कारोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1। और ये मेनली हाई जब अपन प्रोटीन रिच डाइट अपन लेते हैं, बढ़िया मुर्गा मटन जब खा रहे हैं तब मेनली ये हो जाता है। और हाई प्रोटीन जरूरी नहीं है मुर्गा नॉन वेज से हो, वेज में भी हाई प्रोटीन अपनी डाइट होती है। कुछ लोग ना मेरी बातें पकड़ लेते हैं क्योंकि फिर कमेंट में लिखते हैं नीचे ओवर स्मार्ट बच्चे, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको बताई। फिर यहाँ पे सत्यनारायण में एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, वो मैंने अपने नोट्स में भी डाल दी, जो कारोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1 जो एंजाइम है और जब ना ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जो है, दोनों एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और ये दोनों एंजाइम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं ताकि यूरिया की प्रॉपर एक साइकिल रेगुलेट हो पाए, यूरिया की प्रॉपर साइकिल जो है वो अपनी चल पाए। सो मैंने आपको ना पूरा यूरिया साइकिल बड़े आराम से पढ़ा दिया और जिंगल के फॉर्म में, मेरे हिसाब से तुम लोग ना बोर भी नहीं हुए होंगे मेरे लेक्चर से, क्योंकि कुछ और भी यूट्यूबर्स हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनका बहुत बोरिंग स्टाइल है, वो पुराने स्टाइल से ब्लैक बोर्ड में लेकर आए, अपना मस्त डिजिटल काम है, ब्लैक अपन क्या डिजिटल तरीके से पढ़ाते हैं, फनी तरीके से पढ़ाते हैं ताकि आपको एंटरटेन के साथ पढ़ा पाए। तो अब बात आती है किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसको लिख के आना है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं बेटा कभी यूनिवर्सिटी में आया ना तो याद रखना एज ए लॉन्ग में पूछा जाएगा, और लॉन्ग में तुम्हें मेरे नोट्स बहुत ही हेल्प करेंगे और सारे नोट्स जो है ना मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले आप लिखना है पूरा डेफिनेशन यूरिया साइकिल होती क्या है, क्या डेफिनेशन लिख देना हेडिंग डाल के यूरिया साइकिल की। फिर ये पूरा फ्लो चार्ट पूरे एक पेज में बनाना, जितना अच्छा फ्लो चार्ट बनाऊंगे उतने अच्छे मार्क्स तुम्हें यूनिवर्सिटी में मिलने वाले हैं। देने तुमने ये बना दिया, उसके बाद फिर तुम लिखना सारी स्टेप्स, यहाँ पे ना सारी स्टेप जो है मैंने मेरे नोट्स में डाल के रखी है, पूरी स्टेप आप लिख देना कि कौन से रिएजेंट से क्या बन रहा है, कौन से यहाँ पे एंजाइम लग रहा है, कहाँ पे कौन सी एटीपी यूज हो रही है। तो जो आप ना फ्लो चार्ट में करते हो एज इट इज वो का वो ना स्टेप में भी लिख दिया करो, तो ना ज्यादा तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, फिर पूरे नोट्स मेरे ना तुम्हें मिल जाएंगे मेरे मॉड्यूल में, फालतू में लिखने में मजदूरी वाली मेहनत मत करो, मैंने तुम्हारे लिए सारी मजदूरी की मेहनत मैंने करके रखी है और नोट्स को प्रिंट करवा के वेबसाइट में भी डाल दिया। फिर यहाँ पे रिएक्शन की कितनी यूज होती है, फिर अल्टीमेटली अपना रेगुलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन अगर लॉन्ग में आएगा तो अलग से वो हेडिंग देके पूछ लेंगे कि भाई रेगुलेशन तो लिखना ही लिखना, क्योंकि इस तरीके से आपको इसको ऐसे लॉन्ग में लिखना है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इसी तरीके से मैं आपके लिए पूरी बायोकेमिस्ट्री अपलोड करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं लिपिड मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कर चुका हूँ और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अपलोड कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।